Uh, बच्चों आपको यहाँ पर जो फॉलोइंग नेम्स दे रखे हैं अकाउंट्स के आपको इनमें क्लासिफाई करना है कि कौन से इनमें रियल अकाउंट्स हैं कौन से पर्सनल अकाउंट्स हैं और कौन से नॉमिनल अकाउंट्स हैं तो मैं बता दूं बच्चों यहाँ पर आपको कि रियल अकाउंट्स होते हैं टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स के नॉमिनल अकाउंट होते हैं एक्सपेंसेस लॉसेज इनकम गेंस एंड रेवेन्यूज़ के और पर्सनल अकाउंट्स होते हैं नेचुरल पर्सन आर्टिफिशियल पर्सनस और रिप्रजेंटेटिव पर्सनस के तो सबसे पहली चीज़ जो आपका है यहाँ पर वो लैंड लैंड बिल्डिंग है लैंड बिल्डिंग एक, एक एसेट होती है एक टेंजिबल एसेट है इसलिए वो रियल अकाउंट है एक्साइज ड्यूटी हमारे लिए एक एक्सपेंस एक है इसलिए वो नॉमिनल अकाउंट है क्राइटर वो पर्सनस होते हैं जिन हमसे जिनसे हमने उधार खरीदा दैट्स वाई इट इज़ अ पर्सनल अकाउंट कैपिटल भी लगाने वाला एक पर्सन ही होता है तो कैपिटल इज ऑल्सो अ पर्सनल अकाउंट मोटर व्हीकल एक टेंजिबल एसेट है तो इट इज़ ऑल्सो अर रियल अकाउंट गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है और इंटेंजिबल एसेट एक रियल अकाउंट होती है इन्वेस्टमेंट्स को भी रियल अकाउंट की कैटेगरी में डाला जाता है बच्चों ध्यान रखिएगा ठीक है चाहे वो टेंजिबल हो चाहे इंटेंजिबल आते वो आपके रियल अकाउंट्स के अंदर ही है और सैलरी पे की गई होती है अगर सिर्फ सैलरी लिखा है तो सैलरी पेड ही होगा और सैलरी पेड जो है वो एक्सपेंस होता है और एक्सपेंसि नॉमिनल अकाउंट के अंदर आते हैं ठीक है बच्चों तो नंबर वन रियल अकाउंट नंबर टू नॉमिनल अकाउंट नंबर थ्री पर्सनल अकाउंट नंबर फोर पर्सनल अकाउंट नंबर फाइव रियल अकाउंट नंबर सिक्स रियल अकाउंट नंबर सेवन रियल अकाउंट नंबर एट नॉमिनल अकाउंट क्लियर बच्चों आइए कुछ और भी देखते हैं कुछ और पॉइंट्स भी देखते हैं कुछ और अकाउंट्स को क्लासीफाई करते हैं ताकि इनकी और अच्छी प्रैक्टिस हो जाए डेटर्स uh, वो पर्सन होते हैं जिनको हमने गुड्स उधार बेचे होते हैं और जिनसे हमें फ्यूचर में पैसा लेना होता है तो ये पर्सनस हैं इसलिए पर्सनल अकाउंट आ गया बैड डेट्स वो पैसा होता है जो डेटर से आपको आपको मिलने की कोई उम्मीद नहीं है वो पैसा आपका डूब गया है तो ये लॉस है और लॉस नॉमिनल अकाउंट होते हैं डेप्रिशिएशन जो टेंजेबल एसेट्स की वैल्यू में फॉल आता है ड्यू टू वियर एंड ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम ड्यू टू अपसॉलिस और ड्यू टू एक्सीडेंट इसे डेप्रिसिएशन कहते हैं और एक एक्सपेंस है और ये एक्सपेंस है इसलिए नॉमिनल अकाउंट में आएगा सेम फॉर वेजेज एंड रिपेयर्स दे बोथ आर एक्सपेंसिस दैट्स वाई ये नॉमिनल अकाउंट में आएगा रमेश एक डेटर है या क्रेडिटर जो भी होगा वो पर्सनल अकाउंट के अंदर ही आएगा इंटरेस्ट रिसीव हमारी इनकम होती है और इनकम जो है वो आपका नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है बैंक और बैंक ओवरड्राफ्ट दोनों ही पर्सनल अकाउंट काउंट होते हैं ध्यान रखिएगा बच्चों चाहे बैंक बैलेंस हो चाहे बैंक का ओवर दोनों ही पर्सनल अकाउंट में काउंट होते हैं परचेज रिटर्न को हम अप जो है परचेज को एक्सपेंस मानते हैं तो परचेज रिटर्न को इनकम मान लीजिए आप या डिक्रीज इन एक्सपेंस मान लीजिए लेकिन ये जो भी है वो नॉमिनल अकाउंट के अंदर ही आएगा ड्रॉइंग जो है वो पर्सन करता है यानी ओनर करता है जिसने पैसा लगाया होता है बिज़नेस में तो दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो पर्सनल अकाउंट फ्रेट एक खर्चा है तो वो नॉमिनल अकाउंट हो गया रिटर्न इन्वर्ट सेल्स का जो गुड्स हमने बेचे थे उसको वापस आते थे सेल्स रिटर्न या रिटर्न इन्वर्ट कहते हैं तो सेल्स को इनकम मानते हैं तो रिटर्न इन्वर्ट को डिक्रीज इन इनकम या आप एक्सपेंस मान सकते हैं दोनों केस में वो नॉमिनल अकाउंट ही होगा तो उम्मीद करता हूँ बच्चों इस इस लॉजिक के साथ आप समझेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा कि रियल अकाउंट्स क्या होते हैं पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं और नॉमिनल अकाउंट्स क्या होते हैं तो रियल अकाउंट टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स के अकाउंट को रियल अकाउंट कहा जाता है नेचुरल आर्टिफिशियल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनस के अकाउंट को हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं और एक्सपेंसिज लॉसेज इनकम गेंस एंड रेवेन्यूज के अकाउंट को नॉमिनल अकाउंट कहा जाता है उम्मीद करता हूँ इन बीस एग्जाम्पल्स के थ्रू इन बीस अकाउंट्स के क्लासिफिकेशन के थ्रू आप समझ पाए होंगे कि कौन से अकाउंट रियल कौन से पर्सनल कौन से नॉमिनल हुआ करते हैं मैं कुछ और भी आपको आ, कराता रहूँगा जैसे जैसे आ, आप क्वेश्चन करते जाएंगे आपको इनके बीच का डिफरेंसेस क्लियर होता जाएगा कि कौन से अकाउंट रियल होते हैं कौन से पर्सनल होते हैं कौन से नॉमिनल होते हैं ठीक है बच्चों तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं हम लोग ठीक है बच्चों ओके बच्चों